अगर दुआ ही करना है तो उस काम के लिए कीजिए जो मैं करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं आप? जी हाँ भाभी, आप अपने कमरे में जाइए, बुआ जी को मालिश आज मैं दे देती हूँ। जहाँ तक हमें जानकारी है, जिहाद का असली मतलब तो यही होता है, गैर मजहबियों के खिलाफ की जाने वाली मजहबी जंग। अब समझ आया भाभी कि मैं आपको क्यों रोक रही थी। सूर्या, लेकिन बुआ जी ऐसा क्यों कर रही है? वो सब मुझे नहीं पता और ना ही मैं कह सकती हूँ, पर भाभी जब तक बाऊजी नहीं आ जाते ना, भाभी आपको मेरी कसम है, आप ना तो शेरा भाई के हाथ से और ना ही बुआ जी के हाथ से कुछ खाएंगी या पिएंगी, और जितना हो सके ना अपने अपने कमरे में ही रहिए। सूर्या, अगर तुम कहती हो तो ये बात हम मम्मी जी और बेबे को बता देते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाभी, किसी को कुछ नहीं बताना, हम नहीं बता सकते जब तक पाऊजी नहीं आ जाते। देखो भाभी, मैं चाहती हूँ जब तक हमारे पास कोई सबूत ना आ जाए तब तक हम ये बात किसी को ना बताएं। एक बार, बस एक बार अगर सारे सबूत हमारे हाथ में लग गए ना भाभी, तो सबके चेहरे देखने वाले होंगे। भाभी, अगर दुआ ही करना है तो उस काम के लिए कीजिए जो मैं करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? जी हाँ, बेटा, जिहाद का मतलब कुरान में साफ साफ लिखा है, दूसरी सूरत 205 से लेकर आयत 226 तक अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि जिहाद 5 तरह का है, जिहाद बिल नफ्स, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलाम, जिहाद बिल याद और जिहाद बिल सैफ। बेटा, किसी के दिल को ना दुखाने की कोशिश करना जिहाद है। बेटा, मैंने अरबिक में एमए किया है, और अगर तुम्हारे अब्बू से मेरा निकाह ना हुआ होता तो मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर होती। भाभी, ये फोटो तो सोहेल भाईजान अपने वॉलेट में रखते थे, क्या उन्होंने आपको फोटो नहीं दिखाई? साक्षी, साक्षी, अपना मिशन भूल चुकी। मैं अपना मिशन क्यों भूलूंगी? तो फिर बहू की तरह पेश आ रही। नसीमा जी जो भी कह रही थी मुझे सही लग रहा था, उनकी बातें सच थी, और वैसे भी मैं उनके घर में हूं, उनसे आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये लोग गलत नहीं है, है ना?
तुम्हारा काम है हर किसी पे शक करते रहे। आई नो दैट, पर मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर शक करूं किस पर नहीं। नसीमा जी, इमाम साहब इतने नेक दिल लोग हैं, वो लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे जैसे मैं वाकई में उनकी बहू आयशा हूं। यस एग्जैक्टली, करेंगे ताकि किसी को पता ना चले कि वो क्या करने वाले हैं, शायद इसलिए। मुझे अमान पर शक था, बट ही इज ऑल्सो निशन लवर। ये भी तो हो सकता है कि सब मिलकर कोई ड्रामा खेल रहे हो। अरे अरे देख क्या रही हो आयशा? आयशा मेरी बच्ची। बेटा अमान को अपने वतन से बेहद मोहब्बत है, उसका तो दिन रात एक ही ख्वाब रहता है कि वो इंडिया की टीम के लिए खेले और अपने वतन का नाम रोशन करे। अच्छी इंसानियत की बातें, देश प्रेम, ये सब दिखावा है और कुछ नहीं, समझी तुम? उस मिशन से पहले की तैयारी, जिस मिशन पर इन लोगों ने आयशा को बुलाया था। लेकिन आयशा को तो रमजान मियां ने ढूंढा था। कौन जाने साक्षी किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तुम्हें कोई भी लूजर नहीं रखना चाहिए, आई नो, बट ये लोग मुझे बहुत ही इनोसेंट लग रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये लोग तुम्हें टेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम ले रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्हें भी शक हो कि तुम रियल आयशा नहीं हो। सकता है ना? हाँ। इनके शक को बढ़ने मत दो साक्षी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आयशा की तरह पेश आना चाहिए और उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। Your mission comes first. Always remember that. Yes, I know that. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना ड्रामा कंटिन्यू रखूं और उस दिन के आने का इंतजार करूं जिस दिन ये लोग इस असलियत से पर्दा उठाएंगे। बट तब तक के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ आयशा हो और कुछ नहीं। बस कर रचना, इतना रोएगी बेबे? डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा? ऐसे क्यों रो रहे हो बेबे? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ नीत, डॉक्टर कह रहा था कि कोर्ट में मर्सी डेथ के लिए एप्लीकेशन दे दो।
कब तक बच्ची को ऐसे मशीनों के सहारे जिंदा रखने की कोशिश करोगे? पिट्टे मूंछ डॉक्टर का। अरे बच्ची है वो हमारी, हम अपनी बच्ची की मौत की दुआ करेंगे? हाँ अरे उस मुझे डॉक्टर का ना, बेबे आपने कहा नहीं उसको उसके पैसे उसके मुंह पे मार रहे हैं, तो उसको क्यों चिंता हो रही है? क्या बताऊं पुत्र, क्योंकि हुजूर साहब के है, बस रब की मेहर हो जाए हमारे परिवार पे। हाँ बेबे बाबा जी की मेहर होगी, हम सब पर होगी, तुसी चिंता ना करो। बेबे आप परजाई जी को इनके कमरे में ले जाओ, परजाई जी थोड़ा आराम करेंगी तो इन्हें अच्छा लगेगा। ठीक चल मेरे साथ अंदर चल, डॉक्टर ने कह दिया और तूने सुन लिया, दिल को लगा लिया पुत्र, कब तक रोती रहेगी? चल अंदर चल थोड़ा आराम कर। हाँ मेरे नाल अच्छा आजा इधर आजा। हुआ काम का क्या हुआ? अरे पुत्र अपना काम हो ही रहा था, न जाने कहां से वो सूर्या की बच्ची गलत टाइम पे गलत एंट्री मार दी और हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। आपका बहाना भी बुआ, हमेशा बहाने करती रहती हूँ। अरे पुत्र जी मैं बहाने नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने अपना काम कर ही लिया था और मैंने सोचा था तेरे आने पे तुझे खुशखबरी और बेबे और परजाई के आने पर उन्हें दुख की खबर सुना कर ही रहूंगी, लेकिन वो कमबख्त मरी सूर्या की बच्ची ने तेरा सारा सत्यानाश कर दिया। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, तू देखता जा। पर बुआ जी अब क्या करेंगी आप? अरे तू चिंता क्यों कर रहा है पुत्र, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे अपना पहला वार खाली गया तो क्या हुआ, तेरी बुआ के तरकश में और भी तीर बचे हैं। मैं भी देखती हूँ बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पर बुआ जो भी करना है जल्दी करो, ऐसा नहीं हो कि आपके ससुराल से बुलावा आ जाए और आपको जाना पड़ जाए। अरे पुत्र वीर जी के आने तक मैं यही रहूंगी, चिंता ना कर। हाँ क्या चिंता ना कर कब से चिंता ना कर लगा रखी, कुछ हुआ तो है ही नहीं, बापू जी आ गए तो सारा काम चौपट हो जाएगा, आप समझती नहीं है। अरे वीर जी के आने से पहले मैं यहाँ सब कुछ ठीक करके जाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस सूर्या की बच्ची को ना अपने रास्ते से हटाने का कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाते हैं। मुझ पे भरोसा कर। सूर्या ये तो बताओ हम यहाँ जा क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना गुलजी आप अंदर तो चलो, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा, बिलीव मी कम। लेकिन डीआईजी अंकल ये नहीं जानते कि उनका दामाद उन्हीं की बेटी की कोख में पल रहे बच्चे को मारने की साजिश कर रहा है। हेलो सर, सूर्या नाम से कोई मिलने आई है। जी अंदर भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। यस मिस सूर्या। मैंने ही आपको फोन किया था। बताइए मिस सूर्या मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर आज देश में हर तरफ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं और बेटी को कोख के अंदर ही मारने की साजिश रच रहे हैं।
हाँ जी, कल मेरे पास एक आदमी आया था। मैं भी उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। उनका नाम शेरा है। आप जानती हैं उसे? जी, और उनके उनके सारे गलत कामों को भी। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ डॉक्टर, ताकि उनके खिलाफ कोई एक सबूत भी मिल जाए ना, तो उसको मैं सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसका ससुर डीआईजी है। आपको बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। जी, लेकिन डीआईजी अंकल ये नहीं जानते कि उनका दामाद उन्हीं की बेटी की कोख में पल रहे बच्चे को मारने की साजिश कर रहा है। डॉक्टर, मुझे आपसे सिर्फ एक मदद चाहिए। क्या आप उसके खिलाफ पुलिस को बयान दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। ये हम लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हालांकि उसने बहुत जिद की, यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उस बच्चे का जेंडर चेक करने से मना कर दिया। और यही बात तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ डॉक्टर, कि आज भी ऐसे लोग हैं जो शेरा जैसे लोगों के खिलाफ खड़े होकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हैं। मैंने तो वही किया जो सही था। तो डॉक्टर, प्लीज प्लीज एक और सही काम करने के लिए मेरी मदद कीजिए ना। बयान के साथ साथ मैं आपको सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी दे दूंगा, जिससे आपका केस और भी सॉलिड हो जाएगा। क्या फुटेज? हमारी पूरी लैब कैमरा सर्विलेंस पर है। डॉक्टर, क्या मुझे ये फुटेज मिल सकता है प्लीज? ऑफ कोर्स, आई थिंक ये फुटेज मेरे स्टेटमेंट से ज्यादा पावरफुल होगा और आपका केस और सॉलिड हो जाएगा। पुलिस को विजुअल एविडेंस भी मिल जाएगा। जी प्लीज, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स नहीं सूर्या, तुम जैसी लड़कियों की इस देश को जरूरत है जो अपने जेंडर के लिए फाइट कर सके। मैं आपको अभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज दे देता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो किसी की भी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है दिया। साक्षी पे इल्जाम लगाने से पहले क्या तूने सिक्के का दूसरा पहलू जानने की कोशिश की? मैंने सुना आप दिल्ली जा रहे हो। हाँ, जान सकते क्यों जा रहे हैं आप दिल्ली? नहीं, कोई मिशन पे तो नहीं जा रहे हो जो सीक्रेट है बता नहीं सकते, या कोई और बात है? नहीं, कोई और बात नहीं, लेकिन तुझे बता नहीं सकता। बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते? साक्षी से जुड़ी है ना? हाँ, तो? तो आप उस लड़की से मिलने जा रहे हो जो सेल्फिश है, जिसने हमारे पापा को तब तक लूटा जब तक उनकी आखिरी सांस रही। अब हमारे परिवार का उनके परिवार से कोई नाता नहीं है, तो फिर आप उससे मिलने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रहे हैं? मैं बेताब नहीं हूं दिया। दिख रहा है भैया, वो तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। पूरा परिवार एक तरफ है और आप एक तरफ खड़े हैं, तब भी आपको सिर्फ वही दिखाई दे रही है, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। कह दीजिए दिवाली पे छुपकर उससे मिलने नहीं गए थे, कह दीजिए कि यहां आने से पहले छुपकर उससे मिलने नहीं गए थे, कह दीजिए ना। हाँ, गया था मिलने। इतने सालों के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते दिया। जब उसने रिश्तों का मान नहीं रखा तो फिर आप क्यों करने जा रहे हो? क्योंकि तू नहीं समझेगी। ओ, मैं नहीं समझूंगी है ना, मेरे समझ में नहीं आएगी ये बात। मुझे सब समझ में आता है, जो लड़की मेरी माँ और नानी की नजरों में गलत है वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बस दिया, बस, दैट्स इट।
क्या सही है और क्या गलत है मुझे कम से कम तुझसे नहीं सीखना। यू गॉट दैट? कोई तुझसे दो बातें क्या कह देता है तो उसी के रंग में रंग जाती है। तू किसी की भी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है दिया। साक्षी पे इल्जाम लगाने से पहले क्या तूने सिक्के का दूसरा पहलू जानने की कोशिश की? अरे साक्षी की तरफ की बात जानने की कोशिश की तूने? Then just leave it there and mind your own goddamn business. This is my business, bhaiya. To keep you line. Oh, is it? To keep me in line? दिया मुझे लगता है कि पहले तो मैं सही और गलत की पहचान सीखनी चाहिए और उसके बाद मुझे सिखाना चाहिए। Wow, very good भैया, very good. एक पराई लड़की के लिए आप अपनी बहन से कह रहे हो कि उसे सही गलत सीखना चाहिए, जबकि आप सही गलत का पहचान भूल गए हैं। हनी लड़की ने क्या कह दिया? उसके प्यार में अंधे हुए जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको। Enough दिया, मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहता। So just leave me alone. ठीक है, मैं नानी को बता दूंगी कि तुम मुझसे मिलने दिल्ली जा रहे हो। दिया तुम चाहती क्या हो? What do you want? बस इतना चाहती हूँ कि आप उस लड़की से दूर रहिए, जो आपके लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये मैं कभी नहीं करूंगा। एकदम सही कहा आपने। इसका मतलब हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है आपकी लाइफ में। How mean you are. जाइए, आपको जो करना है। दिया लिसन टू मी, दिया दिया, गॉड डैम इट। कहते हैं कि अगर इरादों में ताकत हो तो मंजिल खुद अपने घुटने टेक देती, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी मंजिल पा लिया सुनिया। इस फुटेज के दिखाते ही शेरा मुंह के बल गिरने वाला है और फिर जीत हमारी है। इतनी जल्दी नहीं कुलजीत जी, अभी तो बस शुरुआत है। बट शुरुआत ही बहुत कमाल है। एक बात कहूं, पता है ये सब कुछ ना मैं आप सबके सपोर्ट की वजह से कर पा रही हूँ। अकेले कहाँ कर पाती ये सब। मेरा सपोर्ट तो हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं जानता हूँ कि तुम अपना संकल्प बहुत जल्दी पूरा करोगे। संकल्प तो तब पूरा होगा जब प्रीत का हर एक सपना पूरा होगा। प्रीत का सपना? प्रीत का सपना तो यही है सूर्या, इसके अलावा कौन सा सपना पूरा करना। तुम भी तो उसी का सपना थे ना, मैंने वादा किया है उससे। इनका ये कहना है कि इनकी बेटी 5 दिन पहले यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। नाउ ही थिंक्स कि हमने उसे यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है। कुछ पूछना है क्या बेटा? यही कि चाचा को कब से जानते हैं? बेटा साक्षी ने तो यहाँ जॉब ज्वाइन ही नहीं किया है। जी आपको कैसे पता चला? मैं उसे ढूंढने के लिए दिल्ली आया। इससे ना बच्चे की सेहत और माँ की सेहत अच्छी हो जाती है। ले खा।